नए तैनात होने वाले आईजीएफसी मेजर जनरल असर अब्बास ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कानीगुरम का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कबायली अमायदीन और सहाफियों से मुलाकात की। आईजीएफसी मेजर जनरल असर अब्बास ने कहा कि जनूबी वजीरिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। उन्होंने कहा कि इलाके में तरक्याती कामों के साथ साथ जल्द मोबाइल सर्विस की बहाली का आगाज कर दिया जाएगा। कबायली नौजवान सैफुल्ला सैफी ने जरगे से खिताब में कहा कि हुकूमत जनूबी वजीरिस्तान के मदीनियात के साथ टूरिज्म पर खसूसी तवज्जो दे। हमारे यहाँ पर वो जंगलात भी है, हमारे साथ क्रोमाइड भी है, हमारे साथ बहुत ज्यादा मदीनियात है सर जी। इसको खाम माल हमारे साथ मौजूद है सर जी, इसको हम कैसे लेके आएंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर बिजली और खास तौर पर मैं गुमलजाम डैम से सर जी ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे मसूदी की तरफ से कि वहाँ पर जो 1.7 मेगावाट बिजली सर जी वो पहले वो काम पे खर्च होती है सर जी। हमारे जितने ये पहाड़ वगैरह हैं ये मदीनियात से भरे पड़े हुए, सर पर इस पर सर्च भी किया जाए और इनके जो जितने वो लोकल को दिए जाए। बाहर जो फॉरनर है, हमारे और लोग है जो ग्रीन बेल्ट में आना चाहते हैं, तो उसको ग्रीन बेल्ट में आने के लिए हमारी यही जो ग्रीन बेल्ट एरिया है सर जी, वो सियाहती मराकज के लिए उनको सर जी मौके दिए जाए। जनूबी वजीरिस्तान में दीगर तरक्याती कामों के साथ साथ बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत और पानी के मसाइल को हल करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि जनूबी वजीरिस्तान के लोग दोबारा अपने इलाकों में खुशहाल जिंदगी गुजार सके। हम डेरा के लिए बुशरा महसूद, जनूबी वजीरिस्तान।